नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी 25 खबरें बताने का। इंटरनेशनल योगा डे, अमित शाह, स्मृति ईरानी समेत पीएम मोदी के मंत्रियों ने किया योग। पीएम मोदी ने कहा, योग सरहद से परे और सबका है। इंटरनेशनल योगा डे 2019, रांची में 40,000 लोगों के साथ पीएम मोदी ने किया योग। योग दिवस, अमित शाह और सीएम खट्टर के जाते ही रोहतक में चटाई की लूट। पीएम मोदी ने रांची में लगाया आसन, राष्ट्रपति बोले, योग को जीवन का हिस्सा बनाने का तरीका है यह दिन। इंटरनेशनल योगा डे 2019, दुनिया भर में दिखा जबरदस्त नजारा। बाबा रामदेव ने कहा, भगवान राम मुसलमानों के भी पूर्वज, अयोध्या में बनकर रहेगा मंदिर। पीएम नरेंद्र मोदी को चुना गया दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, पुतिन ट्रंप को पछाड़ा। फडणवीस सरकार का ऐलान, राज्य के सभी CBSE और ICSE स्कूलों में मराठी भाषा बनाई जाएगी अनिवार्य। नहीं थम रहा बिहार में चमकी बुखार का कहर, 16 जिलों में फैली बीमारी। बिहार के बाद अब यूपी के बलिया में भी चमकी बुखार का खतरा, अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश। 3 महीने में खत्म होगा 10 राज्यपालों का कार्यकाल, बीजेपी में राजभवन के लिए लॉबिंग शुरू। लोकसभा में आज पेश होगा 3 तलाक बिल, कांग्रेस JDU करेंगी विरोध। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा, राम मंदिर पर अध्यादेश लाई सरकार तो देंगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। AN-32 विमान हादसे के शहीदों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा, भ्रष्ट अफसरों को जबरन दिया जाए VRS, ऐसे लोगों की सरकार में कोई जगह नहीं। NCLT ने कहा, सिर्फ 90 दिनों में निकालना होगा जेट एयरवेज की बैंकरप्सी का समाधान। INX मीडिया केस, नीति आयोग के पूर्व CEO समेत नौकरशाहों तक पहुंची जांच की आंच। बंगाल में BJP के खिलाफ रणनीति पर चर्चा, JDU के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने की तृणमूल सांसदों से गुप्त बैठक। जांच प्रभावित कर रही अडानी की कंपनी, डाल रही अड़चने, हाई कोर्ट में DRI की गुहार। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के 650 ग्लेशियरों पर मंडरा रहा खतरा, वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता। दिल्ली के कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के नीचे फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, मजेंटा लाइन पर मेट्रो सर्विस रुकी। अमेरिका में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, ट्रंप सरकार ने लिया H-1B वीजा पर यह फैसला। ट्रंप ने ईरान पर हमले का दिया निर्देश, फिर अचानक बदल दिया फैसला। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी।